दोस्तों 2020 के बाद इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहा है इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। और दोस्तों यहां पे हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। दोस्तों इसी के बीच चाइना की तरफ से एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों यहां पे चाइना खुद का बनाया हुआ लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी को तैनात करने जा रहा है। दोस्तों यहां पे जो रॉकेट आर्टिलरी को तैनात करने जा रहा है चाइना, बेसिकली ताइवान को फोकस करके बनाया गया है। दोस्तों ये रॉकेट आर्टिलरी है PHL-16 रॉकेट आर्टिलरी, और इस रॉकेट आर्टिलरी को दोस्तों कहा जाता है मल्टीपर्पज यूज रॉकेट आर्टिलरी। इसका कारण इस रॉकेट आर्टिलरी के द्वारा से कई तरह का रॉकेट और मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। दोस्तों ये रॉकेट आर्टिलरी चाइनीज मिलिट्री में 2019 में शामिल हुआ है। और एक बात कहना चाहूंगा, इस रॉकेट आर्टिलरी को बेसिकली बनाया गया है AR-3 रॉकेट आर्टिलरी के ऊपर बेस्ड करके। दोस्तों वर्तमान समय पे चाइना के पास बहुत सारा रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है और MLRS सिस्टम्स मौजूद है जो कई तरह का और कई वर्जन में है। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, ये चाइना का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस रॉकेट आर्टिलरी में से एक माना जाता है। इस रॉकेट आर्टिलरी का खास बात इसका लॉन्ग रेंज होना। दोस्तों यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रेंज 220 किलोमीटर, मगर दोस्तों चाइना इस रॉकेट आर्टिलरी के ऊपर क्लेम करता है इसका रेंज 350 किलोमीटर तक। दोस्तों इस रॉकेट आर्टिलरी में जो रॉकेट इस्तेमाल हो रहा है वो रॉकेट है BRE-8 रॉकेट। दोस्तों ये रॉकेट का रेंज 350 किलोमीटर तक, और इस रॉकेट का एक्यूरेसी कहा जाए तो 30 मीटर है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, इस रॉकेट का कई सारा वर्जन है जैसे कि BRE-3, BRE-6 रॉकेट और BR-8 रॉकेट सबसे लेटेस्ट और सबसे शक्तिशाली वर्जन है जो इस PHL-16 में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस रॉकेट के द्वारा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जिसमें फायर ड्रैगन 480 नाम का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा सकता है। जैसे कि BRE-8 जो एक 370 mm का रॉकेट है, मगर यहाँ पे जो टैक्टिकल मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है ये 750 mm का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसमें 480 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। दोस्तों ये PHL-16 रॉकेट आर्टिलरी को और भी ज्यादा शक्तिशाली और खास बनाता है ये फायर ड्रैगन 480 बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा दोस्तों इस रॉकेट आर्टिलरी के द्वारा से TL-7B नाम का एंटीशिप मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है जो स्पेशली कोस्टल एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इस रॉकेट आर्टिलरी को ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये काफी इफेक्टिव और काफी डिसेंट रॉकेट आर्टिलरी है इंडिया के अगेंस्ट में। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, चाइना इतना लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी इस लद्दाख रीजन में डिप्लॉय क्यों कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, 2020 के बाद दोनों देश का लगभग 50,000 सेना इस रीजन में तैनात है, और दोनों देश आए दिन बहुत ही एडवांस और शक्तिशाली हथियार को यहाँ पे तैनात करता जा रहा है। यहाँ पे इंडिया के तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले तैनात किया गया है, और यहाँ पे चाइना का मेन फोकस इस रॉकेट आर्टिलरी के द्वारा से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करना, और उसके बाद एयर स्पेस और एयर सुपीरियरिटी चाइना के कंट्रोल में लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इंडिया के पास इसके तोड़ में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? तो एक बात आपको कहना चाहूंगा, इसका तोड़ इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया के पास बहुत पहले से स्मार्ट रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है जो रशिया का बनाया हुआ है, और यह 300 mm का रॉकेट आर्टिलरी है जिसका रेंज 90 किलोमीटर। फिर भी दोस्तों ये इसका रेंज काफी कम है चाइनीज टारगेट के तुलना में, क्योंकि इंडिया के तरफ से चाइना का जो टारगेट है ये उस टारगेट में पहुंच नहीं सकता है। तो इसके बदले में दोस्तों इंडिया के पास प्रहार सीरीज मिसाइल से, जैसे कि प्रहार का 3 वेरिएंट मिसाइल से, जैसे कि प्रहार, प्रगति और प्रणास मिसाइल्स। दोस्तों प्रहार मिसाइल्स का रेंज 150 किलोमीटर और प्रगति का 170 और प्रणास का 200 किलोमीटर रेंज है, और दोस्तों इसका स्पीड लगभग 4 Mach। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये मिसाइल 280 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है, और इसका मास वेट 1280 kg तक है जो एक MLRS रॉकेट के समान है। दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर प्रणास मिसाइल्स का पेलोड अगर कम किया जाता है तो प्रणास मिसाइल्स का रेंज 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्रणास मिसाइल का अगर 100 kg का पेलोड होता है तो प्रणास मिसाइल 300 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंडिया के पास दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा एक ऑप्शन मौजूद है चाइनीज रॉकेट आर्टिलरी के अगेंस्ट में। इसके अलावा दोस्तों चाइनीज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में इंडिया के पास प्रलय मिसाइल पहले से ही मौजूद है, जिसका वजन लगभग 5 टन, 750 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है, जिसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, और जिसका एक्यूरेसी दोस्तों 10 मीटर है। इंडिया के पास पृथ्वी सीरीज का PT-2 मिसाइल्स भी मौजूद है जिसका रेंज 350 किलोमीटर तक, और इसका एक्यूरेसी दोस्तों 5 मीटर तक सिर्फ। दोस्तों ये मिसाइल 1000 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल उठाया जा रहा था, चाइना इस रॉकेट आर्टिलरी के द्वारा इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता था,
मगर यहाँ पे इंडिया के पास भी मौजूद है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए और चाइनीज टारगेट को तबाह करने के लिए। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया इंडिया के पास क्या ऑप्शन मौजूद है और क्या नहीं है और इंडिया के पास कौन सी एडवांटेज मौजूद है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।